अपने शो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर झूठी खबर फैलाने के आरोप में जी न्यूज के एंकर को गिरफ्तार करने के लिए दो राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई है। आपको बता दें कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने अपने प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में झूठी खबर प्रसारित कर दी थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार रोहित रंजन का विरोध कर रही है। जानकारी के मुताबिक जब छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंची, तब गाजियाबाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस बाबत दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। अंततः नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इसी तरह भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर फिल्म पंजाब हरियाणा और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई थी। तभी पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार कर दिल्ली से पंजाब ले जा रही थी और बीच में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। रोहित रंजन ने अपने शो के अंदर राहुल गांधी द्वारा वायनाड की घटना पर दिए गए बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर दिखा दिया था। इस घटना के बाद रोहित रंजन कांग्रेस के निशाने पर आ गए थे और शायद इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस आमने सामने हो गई है।